इसकी ये जो मेरी वीडियो है ना, ये रोची वीडियो से थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अभी तक के टॉप 10 ऐसे स्मार्टफोन या फिर कोई भी आप फीचर फोन भी ले सकते हो जो कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा बिके हुए हैं। मतलब कि टॉप ऐसे 10 सेलिंग स्मार्टफोन जो कि वर्ल्ड के अंदर अभी तक सबसे ज़्यादा जिनके यूनिट सोल्ड हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये जो लिस्ट है ना, मैं 10th पोजीशन से स्टार्ट करने वाला हूँ। जो 10th पोजीशन पर आता है ना, वो है दोस्तों आईफोन का 7 सीरीज, यानी कि आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस की यूनिट्स। ये दोनों ही फोनों के जो यूनिट्स है ना, वो पूरे सोल्ड हुए थे 79 मिलियन यूनिट्स। ये अभी तक का एक बहुत ही बड़ा न्यूज नंबर है आईफोन की तरफ से, और कोई भी स्मार्टफोन अगर 79 मिलियन यूनिट सोल्ड हो जाता है ना, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो जाती है किसी भी ब्रांड के लिए। तो अब हम अपने नए अगले स्मार्टफोन की तरफ मूव करते हैं 9th पोजीशन के ऊपर। तो जो 9th पोजीशन के ऊपर स्मार्टफोन है ना, वो है सैमसंग का गैलेक्सी S4। और ये S4 दोस्तों लॉन्च हुआ था 2013 के अंदर, और इसके जो टोटल सेल्स हुए थे ना, वो थे 80 मिलियन यूनिट्स। 80 मिलियन मतलब 8 करोड़ यूनिट सेल हो चुके थे इस स्मार्टफोन के, तो ये भी काफी बड़ी बात हो जाती है। और अगर मैं अगले स्मार्टफोन की तरफ मूव ऑन करूँ, तो वो हो जाता है हमारा एक फोन नोकिया की तरफ से। दोस्तों, नोकिया का एक कीपैड फोन था 1208 और 1209 के नाम से। ये दोनों ही फोनों के जो टोटल सेल्स थे ना, वो थे 100 मिलियंस। मतलब आज की डेट में आज तक 100 मिलियन यूनिट सेल्स हो चुके हैं इस स्मार्टफोन के, मेरा मतलब है कि इस मोबाइल फोन के। और दोस्तों, ये जो 100 मिलियन नंबर्स है ना, ये एक बहुत ही ह्यूज नंबर होता है। इसका मतलब कि पूरे 10 करोड़ यूनिट सोल्ड हो चुके हैं इस मोबाइल फोन के। और दोस्तों, इस लिस्ट के अंदर जो अगला स्मार्टफोन अगला मोबाइल फोन है ना, वो भी नोकिया की तरफ से ही है। वो है नोकिया का 3310, मतलब नोकिया 3310। ये जो मोबाइल फोन है ना, ये इतना ज्यादा पॉपुलर था कि आज के डेट में भी ऑलमोस्ट सारे के सारे इंडियंस इस मोबाइल को जानते हैं, और ऑलमोस्ट हर किसी ने इस मोबाइल फोन को एक बार अपने लाइफ में जरूर देखा होगा। इस फोन की ड्यूरेबिलिटी के बारे में आज भी लोग जानते हैं। ये फोन लॉन्च हुआ था 2000 के अंदर, और इस फोन की जो टोटल सेल्स थी ना, वो थी 126 मिलियन। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा और ह्यूज नंबर है दोस्तों। और अगर हम नेक्स्ट नंबर के बारे में बात करें, तो वो है 6th नंबर का स्मार्टफोन। और ये जो स्मार्टफोन है ना, ये एक मोटोरोला की तरफ से, और ये एक फ्लिप फोन था, कोई स्मार्टफोन नहीं था। ये था मोटोरोला की ओर से उनका मोटो रेजर V3, और इसको मोटोरोला ने लॉन्च किया 2004 के अंदर। और ये जो मोटोरोला का मोटो रेजर V3 है ना, ये आज तक मोटोरोला की तरफ से उनका सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन रह चुका है। और इस फोन के जो टोटल यूनिट सोल्ड हुए थे ना, वो थे पूरे 130 मिलियन यूनिट्स। इसी वजह से ये जो मोबाइल है ना, ये मोटोरोला की ओर से उनका सबसे ज्यादा मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है आज तक के डेट में। और अभी इसी फोन का जो एक सक्सेसर लॉन्च करने वाला है मोटोरोला, अपने मोटोरोला रेजर के नाम से। और उनका जो फ्लिप वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो भी इस फोन के अंदर आप लोगों को देखने मिल जाएगा, वो भी एक फोल्डेबल स्मार्टफोन की तरफ से, जो कि डायरेक्टली कॉम्पीट करेगा सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड के साथ। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है मोटोरोला की ओर से। अगर मैं 5th पोजीशन के बारे में बात करूँ, तो ये है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग की तरफ से उनका एक कीपैड फोन था सैमसंग E1100। इसको सैमसंग ने लॉन्च किया था 2009 में, और फिर उसके बाद में ये जो मोबाइल फोन था ना, इसके पूरे के पूरे 150 मिलियन यूनिट सोल्ड हुए थे। और दोस्तों, ये जो मोबाइल फोन है ना, ये सैमसंग की तरफ से आज तक का उनका सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन रह चुका है, पूरे 150 मिलियन यूनिट्स। मतलब कि काफी ज्यादा ही हो जाता है। और दोस्तों, ये 150 मिलियन यूनिट्स वाला जो मोबाइल है ना, ये सिर्फ अभी तक 5th पोजीशन पे है, अभी आगे और 4 टॉप बाकी है। और दोस्तों, ये जो टॉप 10 के लिस्ट के अंदर जो मोबाइल फोन्स है ना, इसके अंदर ज्यादा जो स्मार्टफोन से ज्यादा जो मोबाइल फोन्स है ना, वो सभी नोकिया की तरफ से, सभी नहीं मतलब मेजोरिटी ऑफ द मोबाइल फोन्स। क्योंकि दोस्तों, एक टाइम था जब नोकिया के पास में मार्केट का ग्लोबली 51% का मार्केट शेयर था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। और आज की डेट में 51% का मार्केट शेयर किसी भी ब्रांड के लिए एक्वायर करना ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल सा टास्क हो चुका है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो 4th पोजीशन के ऊपर ब्रांड है ना, वो भी नोकिया की तरफ से एक मोबाइल फोन है, और वो था नोकिया का 5230। इसको नोकिया ने लॉन्च किया था 2009 में, और जो इसके भी टोटल सेलिंग यूनिट्स थे ना, वो थे पूरे के पूरे 150 मिलियन यूनिट्स। और दोस्तों, इसी के साथ में 3rd पोजीशन के ऊपर जो मोबाइल था ना, वो भी नोकिया की तरफ से ही था, नोकिया का 6600। इसको नोकिया ने लॉन्च किया था 2003 के अंदर, और इसके जो यूनिट्स है ना, ये भी टोटल 150 मिलियन यूनिट सोल्ड हुए थे। तो ये भी काफी ज्यादा कमाल की बात हो जाती है कि नोकिया ने एक जमाने में बहुत ही ज्यादा स्मार्टफोन्स को सेल किया था। मतलब कि किसी भी घर के अंदर अगर आप लोगों के पास देखेंगे, हर 2 में से एक स्मार्टफोन नोकिया का ही होता था। और अगर आज की डेट में कोई भी स्मार्टफोन अपने टोटल स्मार्टफोन्स को, अगर जितने भी उनके अलग अलग सीरीज या फिर अलग अलग मॉडल्स हैं ना, अगर उसके टोटल 150 मिलियन यूनिट सोल्ड कर देती है ना, तो वो उनके लिए काफी बड़ी बात हो जाती है।
और आप इमेजिन कर सकते हो कि सिर्फ एक एक मॉडल से जो फोन है ना पूरे के पूरे 150 मिलियन यूनिट सोल्ड हुए थे, तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। और दोस्तों अगर मैं सेकंड पोजीशन की बात करूँ तो आप लोगों को ये बात बिलीव नहीं होगा कि जो सेकंड पोजीशन पे ना एक स्मार्टफोन था, एक टच स्क्रीन स्मार्टफोन, और ये जो फोन था ना एक आईफोन की ओर से था, मतलब एक एप्पल का एक आईफोन था और वो है उनका आईफोन 6 और 6 प्लस। ये लॉन्च किया था एप्पल ने 2014 के अंदर एप्पल ने इसको लॉन्च किया था। और इसके साथ के अंदर बहुत ही सारी ऐसी खास बातें थी, जैसे कि इसके अंदर आप लोगों का काफी ज्यादा इम्प्रूव फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने मिल जाता था, एक थोड़ी सी ज्यादा बड़ी स्क्रीन मिल जाती थी और एक ग्लास बॉडी भी देखने मिल जाता था आपको आईफोन 6 प्लस के साथ में। और अगर मैं इसके टोटल यूनिट सोल्ड के बारे में बात करूँ ना दोस्तों, तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर निकल कर आता है, और ये जो टोटल नंबर्स है ना वो है 223 मिलियन यूनिट्स। मतलब कि दोस्तों जो 223 मिलियन यूनिट्स है ना ये बहुत ही बड़े नंबर है। और अगर आज की डेट में बात करूँ तो आईफोन के जो 6 और 6 प्लस है ना इनके तो मैन्युफैक्चरिंग भी स्टॉप हो चुकी है। और दोस्तों 223 मिलियन यूनिट्स तो बहुत ही बड़े नंबर है, लेकिन जो फर्स्ट पोजीशन पे है ना दोस्तों उसने अपने जो स्मार्टफोन है, अपने जो मोबाइल फोन है ना उसके पूरे टोटल 250 मिलियन यूनिट्स को सोल्ड किया है। और दोस्तों अगेन ये जो मोबाइल फोन है ना ये है नोकिया की तरफ से, नोकिया 1100। 100% श्योरिटी है कि जो ये फोन था ना इसको हर किसी ने अपने लाइफ में एक बार तो जरूर देखा होगा। इसको हमारे नॉर्मल भाषा के अंदर नोकिया 1100 भी बोलते हैं बहुत लोग। इसको नोकिया ने लॉन्च किया था 2003 के अंदर और इसके पूरे टोटल 250 मिलियन यूनिट सोल्ड हुए थे। और अगर आज के डेट में पूरे साल में भी अगर कोई अपने फोनों को, मतलब कि कोई भी ब्रांड अपने सभी मॉडल्स का अगर टोटल 250 मिलियन यूनिट सोल्ड भी कर लेना तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों हो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना बाकी अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली ऐसे इंटरेस्टिंग